बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल मस्ट सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ भी अभी रात का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैं शक्कर इसमें डाल रही हूँ कंटेनर में। अभी मैं इसमें डालकर इसको रख दूँगी क्योंकि अभी शक्कर ही यूज़ होगी। मैं वैसे ब्राउन शुगर या शक्कर ही यूज़ करती हूँ, मैं वाइट शुगर अवॉइड करती हूँ। अच्छा, हर व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती रहती हूँ कि आप वाइट शुगर अवॉइड करें, और इसलिए क्योंकि ये हार्मफुल होती है हमारे लिए, कि वाइट शुगर बहुत हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। और इससे ये होता है कि एक तो शुगर भी होती है, देखिए शुगर दो चीज़ों से होती है, टेंशन से भी होती है और मीठा खाने से भी होती है। और मीठा खाने से क्या होता है, फैट होता है, और मीठे में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, इससे हमारा फैट जो है हम वेट गेन करते हैं इससे। तो फिर इसी तरह से अगर हम अवॉइड करेंगे ऐसी चीज़ें तो फिर अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से, ऐसी बीमारियों से खुद ही महफूज रखेगा। और बस जितना हो सके थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर हुआ करें, जिस तरह की आजकल के दौर में जिस तरह की खुराकें हैं, तो हमें खुद ही ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और ये वाला बॉक्स जो है वो मैंने मसालों के लिए बनाया हुआ है। मैंने अपने सारे मसाले जो हैं वो इसी बॉक्स में रखती हूँ, और मैं ज़्यादा वैसे इतने मसाले लेती भी नहीं हूँ एक्स्ट्रा, मेरे पास होते सारे हैं ज़रूरत के। बट ये है कि मैं हर चीज़ ना लिमिटेड स्टॉक में रखती हूँ, एवरीथिंग, चाहे वो मेरे पास किचन का सामान हो, घर का सामान हो, बच्चों के कपड़े हों, बच्चों के खिलौने हों, जो भी चीज़ हो, मैं हर चीज़ एक लिमिटेड स्टॉक में लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास एक्स्ट्रा हो, फिर वो आपको वैसे ही आपको ही टेंशन होती है, उसका एक्स्ट्रा सामान को समेटना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है। यहाँ तक कि मेरे जो भी ऐसे यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो मैं रखती हूँ। अगर जो कुछ वेस्ट मटीरियल्स हों, लाइक उनमें कपड़े भी हों, कुछ भी हो, तो मैं फ़ौरन से वो अपने घर से निकालती हूँ, किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, या जो भी उनको कुछ करना हो वैसे करके घर से मैं निकाल देती हूँ। मुझे ना अपने घर में हर चीज़ बहुत कम ही पसंद है। अभी ना रात का टाइम है और चाय बना रही थी मैं खाना खाने के बाद, लेकिन एक घंटा हो गया है खाना खाए हुए। खाना खाने के फौरन बाद भी हमें चाय नहीं लेनी चाहिए, वो भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मैं हर चीज़ आपको कह रही हूँ कि ये भी हार्मफुल है, ये भी ऐसी है, तो नहीं भी, हमें अपनी हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर होना चाहिए। वैसे आप खाना खाने के बाद अगर कहवा लेते हैं तो वो बहुत बेस्ट है। कहवे में ये है कि अगर आप कहवे में रोज़ाना अगर आप दो छोटी इलायची, थोड़ा सा पुदीना, पुदीने के पत्ते अगर वो खुश्क है या फ्रेश है आपके पास पुदीना, ऐड कर सकते हैं, या फिर और नहीं, या फिर नहीं मीन्स के दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा भी होना चाहिए। ये तीन चीज़ों का अगर आप कहवा बनाकर पिएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, मीन्स के आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा, आपको गैस प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपका स्टमक भी उससे बिल्कुल फिट रहेगा। और जी, अभी हो गया यहाँ पर सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम में आते साथ सबसे पहले शेल्फ्स को अच्छे से करती हूँ क्लीन, और इनको क्लीन करके उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। और ये ना मुझे, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कोई लेजर्ट वगैरह ऐसा की कोई चीज़ नहीं होती, मैं अच्छी तरह से किचन का ख्याल रखती हूँ, और कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ जगह नहीं होती, विंडो भी हर वक्त मेरी बंद रहती है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से रात को भी क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन दोबारा फिर सुबह उठते साथ ही सबसे पहले शेल्फ्स को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मौसम आजकल बहुत अच्छा है, असल में रात में भी बारिश हुई थी और सुबह मॉर्निंग टाइम भी काफ़ी बारिश हुई है, नमाज के बाद काफ़ी बारिश हुई है, और अभी मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है, ठंडा ठंडा सा मौसम है। मैंने विंडो ओपन कर दी है,
मैं तो भाई डेली जब भी सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आती हूँ, मैं इतनी हैप्पी हो जाती हूँ जब मैं बाहर का ये व्यू चेक करती हूँ, जब मौसम बहुत अच्छा हो या जब चाहे धूप भी हो फिर भी बाहर से हरियाली और इस तरह की चीज़ें सारी नज़र आ रही होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने जी फ्रिज से आटा भी निकाल लिया है, बाकी सारी जो जो चीज़ें मुझे फ्रिज से चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं। और यहाँ पर जी मैं ऑमलेट आज बनाऊँगी, ग्रीन कोरिएंडर इसमें कट करके मैं डाल रही हूँ और इसमें नमक मिर्च एग ये डालूँगी। इसके अलावा बाकी बच्चों को चाहिए था विदाउट कोरिएंडर, तो इसलिए भी मैं उनके लिए बना रही हूँ, जस्ट इसमें नमक मिर्च ऐड करूँगी तो बच्चों के लिए ना मैं ये बना दूँगी। पे मैं तवे पर ही सुबह ऑमलेट बना लेती हूँ, अलग से मैं फ्राई पैन यूज़ नहीं करती, और बस फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस वो फिर ऐसे ही गंदा हो जाएगा और बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे, वॉश करने पड़ेंगे। मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई भी हेल्पर नहीं है, मैं काम सारे खुद ही कर रही हूँ, क्लीनिंग के भी किचन के भी, और किचन की तो वैसे भी मैं हेल्पर नहीं रखती, मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किचन के काम करना, मुझे खुद ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे बेटे को चाहिए थी ब्रेड, और ये ब्रेड उसको इस तरह की उसमें चाहिए होती है, ये उसको उसकी खाला ने गिफ्ट किया था और अब वो डेली इतना शौक से इसमें ब्रेड रख के खाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरे इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, मैंने कल ही अपलोड की है, बहुत ही यमीएस्ट ये चिकन सैंडविचेस बने थे, और ये सैंडविच आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बच्चों का लंच बॉक्सेस में बना कर दें, और ये मैंने फिर बनाए थे तो साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, घर को क्लीन करने के बाद फिर मैंने 3 o'clock पर ये बनाए थे, जस्ट मैंने रेसिपी भी शेयर की आप लोगों के साथ और फिर मैं अपने व्लॉग में भी शेयर कर रही हूँ, तो आपने ये मेरे चैनल पर ना ज़रूर ये रेसिपी देखनी है। अभी हो गया रात के खाने का टाइम, और रात में आज हमने बनाई थी चने की दाल, और बहुत ही मज़ेदार, मेरे घर में सबकी फेवरेट है चने की दाल और साथ में बॉइल्ड राइस, और मैं इस तरह से साथ में यहाँ पे राइस को भी बॉईल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी और 2 tablespoons ऐड कर दें, वो इस वजह से कि चावल आपका खिला खिला सा रहता है, वो टूटता नहीं है, अच्छे से बॉईल हो जाता है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो फिर आप इसमें 1 lemon स्क्वीज कर सकते हैं, उससे आपका चावल बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं चावलों को अच्छे से बॉईल कर लिया था, और वैसे भी अगर आप रेगुलर राइस ईटर हैं तो देन बॉइल्ड राइस इज़ बेटर, क्योंकि जब हम राइस को ड्रेन करेंगे तो सारा जो उसका फैट है वो निकल जाएगा। देखें चावलों को ड्रेन करने के बाद कितना ज़्यादा नीचे फैट और इस तरह से ना चावल कितने हल्के हो गए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, मैं ऐसे ही करती हूँ,
राइस को फिर अगर आपको मतलब कि बॉयल्ड राइस जिसको बिल्कुल बॉयल्ड नहीं पसंद तो फिर वो इस तरह से कर लिया करें। फिर आपने बाद में थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसमें प्याज को लाइट गोल्डन सा कर लेना है। और अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, आपको कुछ और भी चाहिए, वैसे दाल के साथ तो ऐसे ही जस्ट तड़के वाले राइस ही अच्छे लगेंगे, तो मैं इस तरह से फिर तड़के वाले राइस बना लेती हूँ बॉयल करके, फिर उसको बाद में मैं तड़का लगा लेती हूँ। बस आप कर लेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए लगा दूंगी दम, ताकि हमारे जो राइस हैं वो फुली कुक्ड हो जाएं। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं सैलेड कट कर रही हूँ। बस आज का मेरा व्लॉग यहाँ तक था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आपको हर वीडियो मिलती रहे। और बस ये हमारा जो रात का डिनर है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। साथ में ना मैंने थोड़े से दो मैंने एग्स को भी बॉईल कर लिया था, क्योंकि बॉईल एग भी अच्छे लगते हैं, मैं उनको भी कट कर लूँगी फिर, क्योंकि दाल हो साथ में बॉईल एग्स हो सैलेड हो तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार ये हमारा डिनर तैयार हो गया है। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।